यूपी निकाय चुनाव के आज घोषित होंगे नतीजे, सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। 3 चरणों में हुए मतदान में 2012 के चुनाव से 6% ज्यादा था। यूपी में पहले चरण का 22 नवंबर, दूसरे चरण का 26 नवंबर और तीसरे चरण का 29 नवंबर को मतदान हुआ था। यूपी में 16 नगर निगमों के मेयर का आज फैसला होगा, इनमें से 4 नगर निगमों में पहली बार चुनाव हुआ था। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जी मीडिया से बातचीत में कहा, सारी पार्टियां मिलकर भी बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। यूपी निकाय चुनाव में जीतने वाले नहीं निकाल पाएंगे विजय जुलूस, राज्य निर्वाचन ने रोक लगाई है। निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम एसपी को सख्त निर्देश दिए, कानून व्यवस्था खराब होने पर जिम्मेदार होंगे। यूपी निकाय चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे तेज नतीजे जी न्यूज पर। यूपी में ग्रामीण इलाकों में बिजली के दाम बढ़े, 100 यूनिट तक 3 रुपए, 300 यूनिट तक 4 से 50 पैसे तक बढ़ोतरी हुई। यूपी के शहरी इलाकों में भी बिजली महंगी हुई, 50 से 60 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा किया गया, फिक्स चार्ज 90 से बढ़कर 100 रुपए हुआ। पीएम मोदी आज गुजरात की महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए संवाद करेंगे। पूरे गुजरात की हजारों बीजेपी महिला कार्यकर्ता पीएम से जुड़ सकेंगी, बातचीत लाइव वीडियो कॉल की तरह होगी, सूत्रों का दावा। ऐप के जरिए कई मुद्दों पर चर्चा संभव, पीएम के संवाद से चुनाव में महिलाओं की भूमिका अहम होगी। पीएम इससे पहले भी 3D होलोग्राम और चाय पर चर्चा के जरिए जुड़ चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐप के जरिए सीधा संवाद करेंगे। सोमनाथ मंदिर विवाद पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी, कहा मेरी दादी और मेरा परिवार शिव भक्त। राहुल ने कहा धर्म हमारा निजी मामला है और हमारे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। भारत की विकास दर उम्मीद से बेहतर हुई, दूसरी तिमाही में जीडीपी में बढ़ोतरी, जुलाई सितंबर महीने में विकास दर 6.3% रही। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा विकास दर जल्द नए रिकॉर्ड को छुएगी, तीसरी तिमाही में और मजबूत होगी अर्थव्यवस्था। अरुण जेटली ने कहा जीएसटी और नोट बैन का असर पीछे छूटा, निजी निवेश में भी तेजी आई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा देश आगे की तरफ बढ़ रहा है, मोदी सरकार के काम का नतीजा सामने आया। अरुण जेटली ने कहा साल में सिर्फ एक बार जीडीपी 6% से कम हुई, देश में विदेशी निवेशों का माहौल भी बेहतर हुआ है। जीडीपी बढ़ने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी, कहा मोदी सरकार के फैसलों से मजबूत हुई अर्थव्यवस्था। जीडीपी के बढ़ने के बावजूद ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर निशाना, ट्वीट कर लिखा न अर्थव्यवस्था बढ़ी न रोजगार मिला, सिर्फ बातें करते हैं। दिल्ली में प्याज टमाटर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, प्याज 80 रुपए तो टमाटर 70 रुपए किलो के पार पहुंचा। रेल टिकट के लिए अब जरूरी नहीं कैश या कार्ड, भीम ऐप की मदद से खरीद सकते हैं टिकट, आज से मिलेगी सुविधा। कानपुर में पत्रकार नवीन श्रीवास्तव की हत्या को लेकर पुलिस ने कई टीमें बनाई, कल बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी थी। एनसीआरबी की साल 2016 की रिपोर्ट में यूपी क्राइम में नंबर 1, महिला अपराध के मामले में एमपी आगे, जबकि हत्या में बिहार का नंबर 2 है। कन्याकुमारी में भारी बारिश और तेज हवाओं से अब तक 4 की मौत, राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीमें, स्कूल कॉलेज बंद किए गए। दिल्ली में जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के 16,000 से ज्यादा खाली पड़े पद, दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने शिक्षकों के प्रमोशन को मंजूरी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उत्तर भारतीयों की तारीफ की, मुंबई के विकास में उनके योगदान को अहम बताया। बीएमसी ने सूखा और गीला कचरा अलग नहीं रखने पर की कार्रवाई, मंत्रालय समेत मुंबई की कई इमारतों और होटल्स पर 10,000 रुपए का जुर्माना। एनसीपी की यवतमाल से 11 दिनों की हल्ला बोल पदयात्रा, किसानों के मुद्दे पर 12 दिसंबर को शरद पवार करेंगे नागपुर में रैली। नवी मुंबई के तलोजा में हुई मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, टक्कर के बाद आरपीएफ जवान ने रिक्शा चालक के साथ मारपीट की। मुंबई में फेरी वालों के समर्थन में आए नाना पाटेकर, कहा उनकी कोई गलती नहीं, इतना समझ लें कि राज ठाकरे का एक वोट कम हो गया। फेरी वालों के समर्थन में नाना पाटेकर के बयान से नाराज हुए राज ठाकरे, कहा नाना हमें नहीं सिखाएं, जानकारी के बगैर ना दे बयान।
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका में शिवसेना को बड़ा झटका, ओबीसी का झूठा सर्टिफिकेट देने पर मेयर राजेंद्र देवलेकर का पार्षद पद रद्द कर दिया गया है। फिल्म पद्मावती को लेकर संजय लीला भंसाली ने संसदीय समिति के सामने अपना पक्ष रखा, कहा इतिहास से छेड़छाड़ नहीं हुई। संसदीय समिति के सामने संजय लीला भंसाली का तर्क, कहा जयसी की कविता पर आधारित है फिल्म पद्मावती। संसदीय समिति का भंसाली से सवाल, पूछा क्या सती प्रथा को फिल्मों में दिखाना चाहिए, समिति ने कहा हम फिल्म के खिलाफ नहीं हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, ईडी ने विरोध किया था। बिहार में नॉन परफॉर्मिंग पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई, 70 थाना प्रभारी की रोकी गई सैलरी, 10 डीएसपी को कारण बताओ नोटिस भेजे गए। बीकानेर में आज से भारत और यूके की सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास, अजय वॉरियर में 100 से ज्यादा ब्रिटिश सैनिक शामिल। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू अंतर्राष्ट्रीय कथाकार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, 3 दिन तक चलेगा सम्मेलन। दिल्ली में आज से आम जनता के लिए खुलेगा मैडम तुसाद म्यूजियम, महात्मा गांधी पीएम मोदी समेत 50 मशहूर हस्तियों के पुतले लगाए गए। यूपी के ललितपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, 4 लोगों की मौत हो गई, 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल। कोटा में 20 दिनों में चोरी की 1 दर्जन वारदात, 70 लाख के माल पर हादसा। रूस के सोची में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन, भारत का प्रतिनिधित्व सुषमा स्वराज कर रही है। एससीओ समिट 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा, क्षेत्रीय सुरक्षा के मौजूदा हालात पर चर्चा संभव। वेनेजुएला में भ्रष्टाचार के आरोप में 2 पूर्व अधिकारी गिरफ्तार, पेट्रोलियम मंत्रालय में तैनात थे। पेरू में ऐतिहासिक जगह माचू पिचू में ट्रांसपोर्ट सेवा बंद, बस ऑपरेटर के खिलाफ गुस्साए पर्यटकों ने की नारेबाजी।